डिस्क्लेमर, कृपया ईयरफोन डाल लें। और मैं ये वीडियो एक पुलिस वाले के कंटेंट के ऊपर बना रहा हूँ, ना कि उसके ऊपर, ना कि इस वीडियो का एम है उनकी इमेज खराब करना या उनकी वर्दी के ऊपर टिप्पणी करना। हेलो जी, तुम लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे कार्टून्स देखे होंगे, जैसे जोगिंदर को ले लो, बड़ा पाव गर्ल ले लो, हर साल कोई ना कोई नया आ जाता है। अब एक चीज जो तुम सब मानोगे कि देखो यार, पैसा ना भाई सोशल मीडिया से कोई भी कमा सकता है आजकल, कुछ भी उठपटांग हरकत करके। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि जोगिंदर जहां पे महीने का 4-5 लाख कमा लेता होगा, वहीं पे कोई पुलिस वाले की सैलरी इतनी नहीं होती होगी। लेकिन किंतु परंतु भैया, जो इज्जत एक पुलिस वाले की, उसकी वर्दी की, जो पोजीशन की है, चाहे वो आईएएस आईपीएस हो, कोई भी हो, वो इज्जत जोगिंदर जैसे क्लाउन या कोई भी दूसरा क्लाउन कभी भी नहीं पा सकता। लेकिन 2024 चल रहा है और अभी कुछ भी हो रहा है, कुछ भी तुम लोग सोशल मीडिया खोलोगे तो हो सकता है कि तुम्हें कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी किसी रील पे ठुमके लगाता मिल जाए। अब इससे होता क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में कहा कि इनकी वर्दी, इनकी पोजीशन की एक रिस्पेक्ट है, वो चली जाती है। और आज ये वाली वीडियो बनाने के बाद अपन हो सकता है कि थाने में बैठेगा, क्योंकि आज मैं वीडियो बना रहा हूं एक पुलिस अफसर, एक जेलर, दीपक शर्मा जेलर पे। आप एक सोशल मीडिया क्रिएटर हो और जो क्रिएट कर रहे हो उसके ऊपर ये वीडियो है। ऑल्सो भाई, ये चीज मैं बहुत बार बताता हूँ कि जब कोई ऐसा चश्मा पहने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करने का। 1 अगस्त को जन्मदिन आ रहा है मेरा, उस वक्त मैं एक नया शो लेके आ रहा हूँ अपने चैनल के लिए, दीप की अदालत। तो थोड़ा एक्साइटमेंट कमेंट सेक्शन में दिखा देना। हाँ, शुरू करते भाई। देखो, चांसेस तो बहुत ज्यादा है कि तुम इन सर को नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें अगर बोलूं कि जेजे कम्युनिकेशन एक बंदा है जो फ्रॉड करता है, मतलब फेक गिव अवेज, आईफोन गिफ्ट कर देता है और लोगों को ठगता है, ऐसे बंदे से सर गिफ्ट लेते हैं, उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं। अगर मैं तुम्हें कहूं कि कोई सर, मतलब कोई पुलिस वाला बंदा पॉडकास्ट करता है किसके साथ, दीपक कलाल के साथ, और दीपक कलाल जब वो वर्दी में बैठे हैं तो उनके सामने सुट्टा फूकता है, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? ये सेम रिएक्शन मेरा था, तो मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूं और ये वीडियो बना रही हूं भाई, ठीक है? तो अब तुम लोगों को कॉन्टेक्स्ट पता है कि किसके बारे में और क्या बात होगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं मेरे जो लीगली करेक्ट है, जो मॉरली कुछ चेंजेस है, तो मैं सर से वन ऑन वन इस वीडियो के थ्रू बात करना चाहूंगा और तुम लोगों को भाई फ्री का कंटेंट मिलेगा, लट्ठा तो मैं खाऊंगा बाद में भाई। देखो, मेरी पुलिस वालों से ना यार बहुत ज्यादा फटती है, और ये स्टेटमेंट जब मैं तुम्हें देऊंगा तो तुम्हें लगेगा कि सही तो बात है, लेकिन अगर तुम लोग मॉरली सोचो तो पुलिस वालों से फटना तो नहीं चाहिए, मतलब वो तो कानून की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए बने ना भाई। लेकिन होता क्या है भाई, हमारे पास गाड़ी के कागज पूरे कंप्लीट है, लेकिन फिर भी अगर कोई सामने पुलिस वाला है तो हमारी गेंद फटती है। अगर कोई पुलिस वाला हमारी गाड़ी भी रोकने के लिए हमारे पास आए तो हमारी फटने लग जाती है कि भैया जबरदस्ती फंसाना दे, कोई केस ना कर दे, दो लट्ठ ना मार दे, या बदतमीजी से बात ना करे। अब ये चीजें ना हमने अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस, हमारे कुछ एक्सपीरियंस, कि किसी लड़की को किसी ने छेड़ा है, वो कंप्लेंट लिखाने गई, सामने वाला पॉलिटिक्स का पहचान वाला निकला तो कंप्लेंट लिखी नहीं गई, उल्टा उस लड़की को चिल्ला के भगा दिया गया, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। लेकिन वहीं पे उल्टी तरफ अगर एक जेलर, एक पुलिस वाला बंदा हमारे को सोशल मीडिया पे दिखे जो एकदम फिट फाट सिक्स पैक लेके हैं, अपनी ड्यूटी अपनी वर्दी के अंदर एज अ हीरो चुलबुल पांडे की तरह दिखे, तो हम थोड़ा सा इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें कहूं कि वो बंदा ऐसी रीले बनाता है तो जिस जंगल में तू शिकार करता फिरता है ना मुन्ना, इस जंगल के हम बादशाह हैं, जरा ख्याल रखना कहीं शिकार करते करते हमारा शिकार ना बन जाना। देखो, बॉडी वॉडी तो सब कुछ सही है, लेकिन सर ढोलकपुर के कीचक की तरह नहीं लग रहे मुझे ना। सर का कंटेंट बहुत ही ह्यूमरस लगता है। सर इस रील के थ्रू बताना चाहते हैं कि जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो इंडियन पुलिस किस स्पीड से आपको बचाने आती है। फुल एकदम म्यूजिक वीडियो शूट चल रहा है, सर ऑन ड्यूटी है अभी भी, मतलब सर ने जॉब नहीं छोड़ी है, लेकिन ठीक है, म्यूजिक वीडियो तो बना ही सकते हैं, है कि नहीं सर? गैंड फट रही भाई, सर जेल में ना डाल दे। सर सिंपल सी बात ये कि मेरे को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वीडियो बनाइए, मैं दूसरे आईएएस आईपीएस ऑफिसर पे भी वीडियो बना चुका हूँ जो रीले बनाते हैं, कई सारे पुलिस ऑफिसर तो डांस करते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर के साथ प्रॉब्लम ये है कि सर जो है इंटरनेट जो क्लाउंस है उनकी इमेज क्लीन करते हैं। अगर तुम दीपक शर्मा सर का इंस्टाग्राम देखोगे तो वहां पे भाई रीलेबाजी हो रही है, लेकिन अगर इनका तुम यूट्यूब चैनल देखोगे जिसका नाम है पूछताछ, तो वहां पे भैया ये बहुत ही सही बंदों को बुलाते हैं अपने सामने, जैसे कि विवेक बिंद्रा। बचेगा नहीं कुछ छुपेगा, समझ रहे हो भाई, कुछ बचेगा नहीं कुछ छुपेगा नहीं, ये हर वीडियो के आगे डिस्क्लेमर है। फिर कंट्रोवर्सीज में आते हैं,
सिख कम्युनिटी को लेके FIR होती है, डॉक्टर्स को लेके होती है, तब वो चलिया कहाँ जाता है? एयरपोर्ट पर। हाँ, विवेक बिंद्रा भाई मजा आ जाएगा। अब सर एकदम डेयरिंग क्वेश्चन पूछेंगे, इंट्रो देख के बस यही लगता है। अब जैसा कि तुम लोगों ने देखा, एक पुलिस वाले ने, एक जेलर ने अपने शो के ऊपर गुनेगार विवेक बिंद्रा को बुलाया, जिसका काम है लोगों को मैन्युपुलेट करना, सीधे साधे बंदों को चूतिया बना के उनका पैसा खाना। MLM सोनू, आप जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो, बहुत कुछ बड़ा। अब पैसा कमाना ही नहीं कमाना है, बस तुझे 6,000 रुपए लेके मेरे ऑफिस पहुंच जाना है, और उसके बाद 6 महीने में तेरी लेम्बरगिनी। समझा क्या? अब मैं तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता, तो मैं वो वीडियो प्ले नहीं करूंगा तुम्हारे सामने, लेकिन मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। काफी सारे प्रूफ्स हैं जिसके अंदर ये साबित होता है कि विवेक बिंद्रा ने अपनी बीवी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया। काफी सारे एलिगेशंस, काफी सारी प्रॉपर FIR है। आप एक प्रोमिनेंट पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद आपको शर्म नहीं आती आप ऐसे गुनेगारों के सामने बैठ के पॉडकास्ट करते हो? दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जहां पे भी जिन चीजों के प्रूफ है, जहां पे विवेक बिंद्रा कुछ भी नहीं बोल सकता, वैसे क्वेश्चन को ना इनके पॉडकास्ट में लिया जाता है और ना ऐसे क्वेश्चन दबाव बना के सामने वाले को घेरा जाता है। टोटल मिला के अगर बात की जाए तो सर एक स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट शो चलाते हैं जिससे उनको बस व्यूज मिले, और ये व्यूज वाली बात इसलिए कर रहा हूं कि एक पुलिस ऑफिसर सोशल मीडिया के ऊपर ब्रांड्स प्रमोट कर रहा है। मैंने जब ये वीडियो बनाने के लिए सर का चैनल देखा तो भाई मेरी फटी वहां पे जब मैंने देखा कि सर तो आदिवासी हेयर ट्रीटमेंट, कोरियन स्किन ट्रीटमेंट ऐसी चीजें प्रमोट कर रहे हैं। अब मालिक मन उन मन बात हो जाए तो 1988 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो सर्विस रूल्स के अंदर कुछ चीजें मेंशन है, जैसे कि सरकारी सेवा के तहत किसी भी प्रकार की अतिरिक्त आय लेना मना है जब तक कि इसके लिए आपको विशेष अनुमति न मिले। स्पॉन्सरशिप और प्रमोशन के हितों का टकराव हो सकता है जिससे अधिकारी की निष्पक्षता पे सवाल उठाए जा सकते हैं। अगर सर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बाहर से अतिरिक्त पैसा कमाना मना है तो सर ये आप स्पॉन्सरशिप कैसे कर सकते हैं? मतलब अब आई होप कि तुम लोगों को थोड़ा मजा आना स्टार्ट किया हो, तो तुम लोग ही गेस करो कि अगला बंदा कौन होगा जिसको पूछताछ में आके सर के सामने पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा। अब अगर सर ने अरमान मलिक को अपने शो के अंदर बुलाया तो देखो, अगर मैं एज अ नॉर्मल बंदा यूट्यूब से और गूगल से इतनी डिटेल या इतनी रिसर्च कर लेता हूँ तो सर के पास तो बहुत सारे और सोर्सेस हैं। नहीं तो अब तुम लोग ही सोचोगे, एक फुद्दू बंदे को जब सर ने शो पे बुलाया तो सर को पहले से पता होगा कि ये बंदा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके दूसरी शादी करता है जो कि इल्लीगल है। अरमान मलिक अपनी दूसरी शादी को जस्टिफाई करता है ये बोल के, अरे भैया मेरी पहली बीवी को कोई दिक्कत नहीं थी, दो शादियां की मैंने, पायल से पूछ के की थी दूसरी शादी मैंने। अगर तेरी पहली बीवी बोलेगी कि भाई अरमान इस बंदे को मार डाल, तो भाई मर्डर कर देगा क्या? तेरी पहली बीवी बोलेगी कि यार घर में सोना कम है, एक काम कर बैंक लूट ले भाई, तो क्या बैंक लूट लेगा भाई? हर चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते ना भाई तुम बोल के कि मेरी बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो मैंने शादी कर ली भाई। लेकिन भाइयों पॉइंट से नहीं भटकेंगे, पॉइंट है भाई कि एक बेवकूफ बंदे को जो कि तुम्हारे कानून की धज्जियां उड़ा रहा है उसको अगर तुम लोग सामने बिठाओगे हैं तो उसकी इमेज तो क्लीन नहीं होगी। इंसान ने कभी नहीं पता, हम गाड़ी चला रहे हैं क्या पता किसी से एक्सीडेंट होगा, जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी जा सकता है, जब पता नहीं इंसान कब बुरा हो। अरमान मलिक एक जेलर के सामने बैठ के बोल रहा है कि जेल जाना कौन सी बड़ी बात है, अरे सर मैं ना सहता सर, मैं इसकी गेंद में लट्ठे दे देता सर। मतलब तुम ही सोचो कि एक पुलिस की वर्दी पहन के एक बंदा बैठा है और सामने वाला बंदा इतना कैजुअली बोल रहा है कि अरे जेल में जाना तो मामूली बात है। अरमान भैया नाम सिर्फ आप मोमडन कह सकते हैं, बाकी मैं हिंदू हूँ, संदीप मेरा नाम है, और अगर बात की जाए मैं मरूंगा भी हिंदू, तो मैं कभी जीवन में चीजें कर ही नहीं सकता चेंज, ठीक है, जो मुझे पसंद था मैंने किया। संदीप जिसका स्टेज नेम अभी है अरमान मलिक, जिसको तुम अरमान मलिक के नाम से जानते हो, ये खुद ही एक्सेप्ट कर चुका है कि ये पहले हिंदू था, दो शादी करने के लिए पहले भाई को लगा कि मुस्लिम बन जाते हैं, उसके बाद इसको पता चला कि अगर वो बन जाएंगे तब भी लोगों के हिसाब से इसको 7 साल की सजा हो सकती है अभी भी। लेकिन ठीक है भाई, हमारे इंडिया में क्या होता है भाई कि अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लेने की बजाय उसको बिग बॉस में बुलाया जाता है। मैं तुम लोगों से बस सिंपल सी एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई जो बंदा अपने धर्म का सगा नहीं हुआ, अपनी पहली बीवी का नहीं हुआ, भाई तुम कैसे ट्रस्ट कर सकते हो यार उस पे? अब बिग बॉस में जाके भाई किसी ने उसकी बीवी को एडमायर कर दिया कि सुंदर दिखती है तो थप्पड़ मार दिया, और क्यों? क्योंकि जितने टाइम बिग बॉस में टिकेंगे वीकली पेमेंट आती है, तो जितने लंबे टाइम टिकेंगे उतना ज्यादा पैसा। बाहर बीवी जाके पॉडकास्ट दे रही है, बाहर बीवी रो के वीडियो बना रही है, और अंदर भाई की दूसरी बीवी के साथ मजे मार रहे हैं। लेकिन भाई ये सब पता होने के बाद भी हमारे जेलर साहब ऐसे क्लाउन के साथ इंटरव्यू लेते हैं। सोशल मीडिया पे कमेंट आते हैं कि अरमान मलिक शिलाजीत की रोटियां खाता है। देखो मैंने शिलाजीत आज तक खाया तो नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि किसी ब्रांड को बोलो कि मुझे प्रमोशन करवाए, मैं खाना चाहता हूँ। सर वर्दी पहन रखी है, सामने वाले की बीवी एक लेडीज सामने
सर क्या कर रहे हो सर, मतलब मैं मान रहा हूँ आप कंटेंट बना रहे हो बट आप पुलिस वाले भी हो। अब मेरे को पता है तुम लोगों को और मजा आ रहा होगा, तो तुम लोग ही गेस करो कि भाई अगला बंदा कौन। अगला बंदा है हमारा कट्टर हिंदू शेर जोगिंदर। अब देखो भाई, विवेक बिंद्रा फिर भी ठीक, अरमान मलिक फिर भी ठीक, लेकिन जोगिंदर जैसा फुद्दू अगर इनके शो पे आया है तो मेरे को पता है सर पूछेंगे कि भाई ये जो तूने स्कैम किया था पहले करोड़ों रुपए का किसी के इलाज के नाम पे, ये जो तू फर्जी हिंदू बनता है इंटरनेट पे है, ये जो तू गरीबों की मदद करने के नाम पे उनका मजाक उड़ाता है, ये जो तेरी मम्मी और पुनीत हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं तो बिना एथिक्स के उनके साथ वीडियो बनाता है, इसके ऊपर जवाब दे। यही पूछेंगे नहीं, इंस्टेड ऑफ डेट सर पूछते हैं कि जोगिंदर तेरी खिचड़ी बंदी रह चुकी है भाई। अगर हम गर्लफ्रेंड के ऊपर ध्यान देंगे, नहीं हाइपोथेटिकल बातें मत करो, आप मुझे अपना बताओ कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रही है। सर कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। अब चूतिया तेरे से बनती भी नहीं। मतलब सर मैं इसका मतलब क्या समझूं, जो वो क्राइम करता है, जो गरीबों की बेइज्जती करता है, वो जो मंदिर दिखाता है एक तरफ है, वो जो फेक हिंदू वाले ड्रामे करता है, लोगों को ठगता है, मैटर नहीं करते ना सर। मतलब आप वर्दी पहन के सामने बैठ के उसकी गेंद फाड़ सकते हो, लेकिन गर्लफ्रेंड की इतनी है। नहीं जाना है जेल, आई एम रियली सॉरी सर। खैर देखो, मैं ये नहीं कहता कि सर का चैनल बिल्कुल बकवास है, क्योंकि सर ना बहुत सारे वीडियोस के अंदर बिल्कुल ये बताते हैं कि क्या क्राइम है क्या क्राइम नहीं है। जैसे सर बताते हैं कि अगर आप काला कांच लगवा दो गाड़ी के ऊपर तो काली फिल्म चढ़ाना यानी टिंटेड ग्लासेस, ऐसा करने पर आपका लाइसेंस तक जब्त हो सकता है। निकला बाबू से टक्कर लेने, बाबू मामूली आदमी नहीं है। सर कुछ देख लो सर, किसी भी लड़की के ऊपर गलत कमेंट करना, टिप्पणी करना या उसके बाद कुछ भी गलत करना है क्राइम है। लेकिन सर वहीं पे दूसरी तरफ एक गेस्ट बुलाते हैं, दीपक कलाल, जो अपने गाने को प्रमोट करने के लिए किसी लड़की के साथ एक MMS डाल देता है। चंडीगढ़ में लड़ाई करते हुए नजर आए। चंडीगढ़ में यार आप जांच अधिकारी हो, पूछताछ कर रहे हो यार, थोड़ा रिसर्च तो कर लो भाई। मैं मतलब क्या ही बोलूं भाई, मतलब एक दीपक कलाल जैसा बंदा वो आता है आपके शो में एक रियल पुलिस वाले के सामने और सर को रोस्ट करके चले जाता है। मतलब मैं इस पे हंसूं तो मुझे बुरा लगता है सर की वर्दी के लिए। सर देखो मैं इंदौर से हूं, मेरे को पता है आप इंदौर में मेरे खिलाफ कुछ भी करवा सकते हो, लेकिन मेरा पॉइंट इतना सा है कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हो, आप एक शो चलाते हो जो कि अच्छी बात है, लेकिन आप उस शो के माध्यम से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आदिवासी तेल ये सब चीजें प्रमोट कर रहे हो, जो कि सर्विस रूल के हिसाब से थोड़ा सा गलत है ना सर। उसके बाद सर आप जिन लोगों को बुलाते हो आपको उनके बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी आप उनके साथ बैठ के सीरियस क्वेश्चन नहीं फुद्दू चीजें बनाते हो। दूसरी चीज, आपके पास इतनी बड़ी पोस्ट है, आपके पास अभी नेटवर्क है, सोशल मीडिया है, तो आप उसके थ्रू अपनी एक्सपर्टीज या सही मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। कोई भी मुद्दा उठाया जा सकता है, स्कैम्स के ऊपर अवेयर किया जा सकता है, ऐसी हजार चीजें जो सर अपने पेजेस से करेंगे तो हम लोगों को काफी हेल्प होगी। लेकिन हमें मिलता है भाई दीपक कलाल सुट्टा मारता हुआ उनके सामने। और मैं ये वीडियो दीपक शर्मा जेलर के ऊपर नहीं बना रहा हूँ सर, मैं एक नॉर्मल पुलिस वाले की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जब आप एक शो थोड़े से व्यूज के लिए चीजें कर रहे हो और बदनाम कमेंट सेक्शन में वर्दी हो रही है। मैं कुछ कमेंट्स दिखाना चाहता हूँ जो आपके ही चैनल के कमेंट सेक्शन से मैंने पिक किए। क्या टाइम आ गया भाई, पुलिस वाले छबरी लोगों को प्रमोट कर रहे हैं फेमस होने के लिए, अब ये यूथ को बर्बाद करने में पीछे नहीं रहेंगे। ठीक है, सेकंड कमेंट है सर ये फर्जी पुलिस वाला है कि रियल यूट्यूबर है। गांड फटती है भाई, क्या है मतलब ओपिनियन चैनल है तो कुछ भी थोड़ी होता है भाई। मतलब सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आप आउट ऑफ द ऑफिस अपने काम के बाहर जब ये शो कर रहे हैं जो कि आपका पर्सनल है, तो वहां पे वर्दी पहन के बैठना मतलब अलाउड है क्या सर? मैं बस पूछ रहा हूँ। ये सब छोड़ो भाई, लास्ट गेस तुम लोग गेस करो कि सर और कितना नीचे क्लाउन को बुला सकते हैं। सर मैं बता रहा हूँ, सर को पहले पता था कि कौन कौन बिग बॉस जा रहा है, वड़ा पाव गर्ल के साथ। यार गौर फरमाइए दोस्तों, सर ने 2 महीने पहले ही थंबनेल पे लिख दिया था बिग बॉस में एंट्री कंफर्म। मतलब वो जो बंदी बाहर हरकतें कर रही थी उसको पता था कि किधर जाना है मेरे को, लेकिन सर को भी पता था। एंड अगर उसको गेस्ट बुलाया है तो व्यूज 43,000 नहीं आया सर, बट ठीक है। इस वीडियो का पहला ही कॉमेंट है, शेम ऑन यू मिस्टर दीपक, मिस यूज ऑफ यूनिफॉर्म, सरेंडर योर यूनिफॉर्म एंड देन डू हर प्रमोशन। माइक इशू में दिक्कत है, कोई बात नहीं, अभी यूट्यूबर बन रहे हैं सर, धीरे धीरे आ जाएगा भाई, लोड नहीं लेने का भाई, ठीक है। थोड़ा पुलिस वाले हैं वो तो थोड़ा खुद के ऐसा करके सुनने का, पर सुनने का
ये आईफोन का थोड़ा फिल्टर कम करने का सर, मैं भी वही यूज करता हूँ ना, तो अब वो देखो भाई इतनी सुंदर है भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मॉनोपोली चलाते हैं, आपको बता रहे टीवी बिजनेस अच्छा चल रहा है, और आप भी करने वाले का रिमांड, तो कभी तो ऐसा मन में आता होगा कि चलो पैसा बनाना शुरू करते हैं। अरे सर या तो गाना चला लो सर, या पॉडकास्ट कर लो। देखना है मेरे को, इंदौर की है वो लड़की, मेरे मेरे होम टाउन की है, वो शादी हो गई दिल्ली में, ले गया तो क्या हो गया, सुनना तो है ना भाई। एडिटर कौन है? अच्छे से एडिट करने का ना, पुलिस वाले सर है ना, ऐसे अच्छा लगता है वीडियो में ऐसे, फिर मेरे जैसा कोई बंदा खोट निकालता है तो। थोड़ा अक्कल नहीं तुम में यार, बैकग्राउंड म्यूजिक को कम रखने का, आवाज बढ़ाने का, थोड़ा बढ़िया माइक यूज करने का। कौन बेटी सामने, वड़ा पाव दीदी बेटी, वड़ा पाव मालूम क्या। ये सब लोग अकेडमिक क्वालिफिकेशन देखती है, MBA B.Tech। चंद्रिका क्या? चंद्रिका की क्वालिफिकेशन सर मैं बताता हूँ ना सर, हिंदोरी है सर, चिल्लाना बहुत अच्छे से आता था, ड्रामा कर लेते इधर के लोग, चिल्ला लेते बढ़िया, चूतिया भी बना देते हैं सर। कैसे गुस्सा करना है, क्या कमेंट करनी है, चंद्रिका देखिए सर एक नहीं चला रही है। देखो ये सब चीजों छोड़ो, अब हम आते हैं इस वीडियो के फाइनल ओपिनियन पे। देखो पहली बात कि जो मैं रिएक्शन दे रहा था वो उनके कंटेंट पे थे, वो सर पे नहीं थे। दूसरी बात कि इस वीडियो को अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो हो सकता है कि तुम लोगों के सामने सर की इमेज थोड़ी सी बेकार बन गई हो, तो मैं वो चीज नहीं चाहता। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सर ने उनकी कम्युनिटी मतलब उनकी वर्दी के लिए बहुत कुछ एफर्ट्स दिए हैं। इतना आसान नहीं होता वहां तक पहुंच जाना, वहां पे जाके सर्वाइव करना। जेलर्स की ड्यूटी जो रहती है वो बहुत टफ होती है किसी भी ह्यूमन बींग के लिए, वहां पे जाना, उस सराउंडिंग में खुद को रखना, ठीक है। दूसरी बात है कि सर एथलीट के और उन्होंने गोल्ड भी जीते हैं, और सबसे स्पेशल बात जो निर्भया वाला केस हुआ था उसके अंदर जो अपराधी थे जब उनको फांसी दी गई तो उस टीम का पार्ट रह चुके हैं सर। जहां पे दूसरी तरफ हम देखते हैं मूवीज में या रियल में कि पुलिस वाले लोग तो उंधे निकली हुई है, बस जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं, बॉडी पीटी हुई है, वहां पे सर का अगर तुम प्रेजेंस देखोगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनके पॉडकास्ट में जाके उनको देखोगे या तुम सर के लुक्स देखोगे तो काफी इंप्रेसिव है। और ये सारी बातें मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो बना दी अब जेल में लटना पड़े, ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम खुद को अनबायस्ड का हैं भाई, है ना। तो सर की अगर अचीवमेंट की बात देखी जाए तो हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन सर शायद अभी थोड़ा सा खो चुके हैं या सोशल मीडिया पे सर को ऑडियंस का माइंडसेट समझ में नहीं आ रहा है। सर को शायद जोगिंदर में और मेरे में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है कि कंटेंट क्रिएशन इंपैक्ट क्या होता है। तो मैं सर आपको बस इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज देना चाहूंगा, जब आप वर्दी पहनते हो, आप ऐसे क्लाउंस को बुलाते हो, जब उनकी गलतियां छुपाते हो, उनको प्रमोट कर देते हो वर्दी पहन के, सर आपके चैनल पे शायद वो 40,000 ही जाएगा, लेकिन जब कोई बंदा शॉर्ट काट के डालेगा कि पुलिस वाले के सामने चंद्रिका बैठी है तो उसकी इमेज बढ़ जाएगी। लेकिन वहां पे जब आप सिर्फ कंटेंट के लिए फुद्दू क्वेश्चन पूछते हो, उनसे बातें करते हो, आपके सामने दीपक कलाल जैसा बंदा आके सुट्टा मारता है, जब आपके सामने ये जोगिंदर बंदा ऐसे कपड़े पहन के हैं आवारा बन के बकवास बातें करता है, जब सर आप इतनी बड़ी पोजीशन पे रह के किसी बंदे को पूछते हो तेरी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, जब आप चंद्रिका जैसी क्लाउन चेसर से जाके बकवास बातें करते हो, जब आप पारस ठकराल के साथ दिखते हो, तो सर आप अपनी वर्दी की, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम कर रहे हो। आप विवेक बिंद्रा जैसे बंदे जिसके कोर्सेज स्कैम थे, जिसने MLM वाला स्कैम किया, जिसने लाखों बच्चों को लूटा, आप उसकी इमेज वाइट वॉश कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है और उसके बाद भी आप अपनी सर्विस के खिलाफ जाके आदिवासी ऑयल और ऐसी चीजें प्रमोट कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि भाई आपने कोई बेटिंग ऐप बेची, बट स्टिल अगर आपको अपनी सर्विस रूल को भी फॉलो करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि सर आपके चाहे नंबर्स ना हो, आपके चाहे ज्यादा फॉलोअर्स ना हो इन क्लाउन से, लेकिन आपकी इमेज जो है, आपकी इज्जत जो है, वो हमारे सामने ऐसा डबल रिस्पेक्ट है सर। तो प्लीज इन लोगों के साथ बैठ के अपनी इमेज खराब मत करो, बस यही कहना है। बाकी सर हम जैसे यूट्यूबर, मैं मेरा भी नहीं कहता हूं, अगर आप किसी टॉप यूट्यूबर के साथ बैठ के उसका माइंडसेट शेयर करें या आप 10 बातें अच्छी बताएं तो हमें अच्छा लगेगा, बट ये अच्छा नहीं लगता सर। और हम सोशल मीडिया क्रिटिक, एक कमेंट्री चैनल है, हमारा काम है ये वीडियो बनाना, तो हमने बना दी। बाकी आपको कोई भी समस्या हो, परेशानी हो वीडियो से सर, तो अपन डिलीट कर लेंगे, नहीं फाड़ना सर मेरी सर। बाकी दोस्तों आई होप कि तुम लोगों को मेरी ऐसी वीडियो पसंद आती है, तो ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब। मैं इस चैनल के ऊपर सर से इंस्पायर्ड हो गए, वैसे सर से इंस्पायर्ड हो गए नहीं, पहले भी है, अपना एक नया शो ला रहा हूं जिसका नाम है दीप की अदालत। मोस्ट प्रोबेबली वो मेरे जन्मदिन 1 अगस्त तक आ जाएगा, तो उसके अंदर तुम्हें मिलेगा एक वकील वाला कैरेक्टर जो कि दम रखता है मेरे जैसा कुछ भी सच बोलने का, एंड उसके अंदर हम पॉइंट बहुत सही रेस करेंगे। आई होप किसी दिन सर को भी बुलाएं उसमें। बाकी भाइयों, जॉर्डन वाले चैनल पे नए गाने आ रहे हैं और एक सरप्राइज भी आ रहा है 1 अगस्त पे। अभी मैं चलता हूँ, देखता हूँ मैं, कोई लीगल नोटिस तो नहीं आया है यूके भाई की तरफ से, बताना भूल गया भाई, यूके भाई ने लीगल नोटिस कर रहे हैं हमारे खिलाफ, तो थोड़ा देखना पड़ता है भाई। तुम तो कहते हो भाई 10 दिन में वीडियो पहले क्यों नहीं, इधर निपटना पड़ता है ना भाई। चलो ठीक है यार, वो हो गया कैरेक्टर, है ना। चलो ध्यान रखो भाई सब अपना, बाय।